बुधवार को भगवा रक्षा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर गोपीनाथ मंडल की अध्यक्षता में रक्षा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि डबल फाटक दसराय पुलिस चौकी से आगे प्रथमा बैंक के पीछे ख्वाजा हेल्थ केयर जच्चा बच्चा केंद्र के नाम से अस्पताल है, जिसमें कुछ दिन पूर्व एक महिला डिलीवरी कराने आई थी। तो इस अस्पताल की डॉक्टर मोनिश निशा ने ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की, उसके बाद उपचार में लापरवाही करते हुए सही ढंग से महिला का उपचार नहीं किया गया, जिस कारण महिला की हालत गंभीर हो गई। इस बारे में जब महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमारे स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं है। पीड़ित महिला का परिवार बेहद गरीब है, जिसको लेकर आज भगवा रक्षा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष गोपीनाथ मंडल की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि जल्दी अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटित हो सके। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, दुष्यंत कौशल मेरठ प्रांत अध्यक्ष, ओंकार चैनी मेरठ प्रांत मंत्री, गोपीनाथ मंडल अध्यक्ष, विनय शर्मा, अभिषेक यादव, रचित शर्मा, अक्षय किशोर, नवनीत गुप्ता, धर्मेंद्र सैनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम दुष्यंत कौशल, मेरठ प्रांत अध्यक्ष भगवा रक्षा वाहिनी। किस मामले में आपका प्रदर्शन किया जाए? आज माननीय जिलाधिकारी मोदी जी को एक ज्ञापन दिया गया समस्त महानगर टीम के द्वारा। एक अस्पताल है डबल फाटक दसराय चौकी से आगे चलकर प्रथमा बैंक के पीछे ख्वाजा हेल्थ केयर, जो अवैध रूप से चल रहा है, जिसकी डॉक्टर है मोनिश निशा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने 28/8/2024 को एक हिंदू बहन है पायल, जिसका डिलीवरी का केस लिया था। डिलीवरी कराने जब वो पीड़ित हिंदू बहन हमारी गई थी तो उसका डिलीवरी का जो उपचार है वो गलत रूप से करा गया। उसके बावजूद जब उसके परिवार वालों ने वहाँ पर उनसे पूछा कि भाई ये तो गलत तरीके से हो गया, तो उनकी ये कहना था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ज़्यादा अगर अस्पताल में आओगे तो मैं कपड़े फाड़ कर केबिन में बुलाकर कपड़े फाड़ने का आरोप तुम पे लगा दूंगी। परिवार जो है बहुत ज़्यादा भयभीत है, ये बहुत ही गलत किया गया है। इसे हमारी ये मांग है जिलाधिकारी महोदय जी से कि इस अस्पताल को बंद किया जाए और डॉक्टर मोनिश निशा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। आज उस महिला की क्या हालत है? आज मरीज की वो हालत है कि जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रही है। उसके बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके हौसले बंद होते जा रहे हैं। इतनी सख्ताई सरकार की तरफ से है, उसके बावजूद भी ये इस तरीके के अवैध अस्पताल चला रहे हैं। ऐसे मानसिकता वाले डॉक्टरों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी मतलब बहन के साथ इस तरीके से क्यों करा गया, क्योंकि ये हिंदू है, हिंदू को प्रताड़ित करने का कार्य जैसे मानसिकता वाले डॉक्टरों ने कर लिया है, पकड़ लिया है, ये यही कार्य कर रहे हैं, बारंबार यही कार्य कर रहे हैं। अगर कोई और महिला होती तो इसका इलाज का पूर्ण रूप से नहीं करते, अगर डॉक्टर जो है फर्जी अपना सही निभाते तो आज वो महिला जिंदगी और मौत के बीच में नहीं जूझ रही होती। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, डॉक्टर के खिलाफ, और इस अस्पताल को बंद करा जाए। इसका अस्पताल का नाम है ख्वाजा हेल्थ केयर जच्चा बच्चा केंद्र, जो प्रथमा बैंक के पीछे डबल फाटक दसराय चौकी से आगे को स्थित है। जी जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होता तो हम पीड़िता परिवार के साथ धरने पर बैठकर आगे आंदोलन करने पर बाध्य रहेंगे।